की जा रही है एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर या जब ड्राइंग्स की जा रही है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर या फिर एक और हो सकता है जब जो ड्राइंग्स की जा रही है इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर तो इसमें चीज वही सेम बेसिक यूज होना है फोर्थ जो मेथड हमने किया था इंटरेस्ट ऑन को कैलकुलेट करने का उसमें यूज किया था that फर्स्ट ड्रॉइंग डिवाइड by टू तो यहाँ पर सेम चीज फॉलो होगी कि टू यहाँ पर जब हम क्वार्टर ले रहे हैं तो क्वार्टर जो होता है वो थ्री मंथस का एक क्वार्टर कैलकुलेट किया जाता है तो आपके पूरे ईयर में फोर क्वार्टर होते हैं तो अगर फर्स्ट आप निकाल रहे हो इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो उसके लिए जो नंबर ऑफ़ मंथ्स आप कैलकुलेट करते हैं वो आएंगे आपके तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको है, तो, 100 12. अगर निकल रहा है, तो आपका आता है 4 तो टोटल रेट एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन ऑफ पार्टनरशिप डी अगर जो पार्टनर्स हैं वो एग्रीमेंट में ये नहीं लिख रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिवाइड किया जाएगा तो हम फॉलो करेंगे प्रोविजंस जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कहते हैं और वो ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली शेयर किया जाएगा और जो दूसरे उसके प्रोविजन थे वो ये थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा पार्टनर्स को ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा पार्टनर को किसी भी तरीके की कोई भी रेमनोरेशन जैसे सैलरी नहीं मिलेगी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा और पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वो सिक्स परसेंट पर एनम से फॉर्म देगी इसका हम देख लेते हैं x and y started a partnership business for running this business x is having capability and experience of work and y is financially rich therefore x contributed a capital of 40,000 and y contributed a capital of 3 lakh y has also given a loan of 1 lakh 50,000 to firm in the middle of the year they earned a profit of 1,84,500 in the first year of business. X demands a monthly salary of 3000 due to capability.

तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट हमें देना है एट द रेट ऑफ सिक्स पर एनम से तो वन लैख्टी ये आ गया हमारा 4500. 6 12 हमने क्यों किया क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो दिया गया है लोन वो इन द मिडल ऑफ द ईयर दिया गया है इन द मिडल ऑफ द ईयर मतलब सिक्स मंथ्स के बाद दिया गया है. तो पूरे ईयर में ट्वेल्व मंथ्स हो गए तो सिक्स मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आपने सिक्स मंथ्स जब रह गए तो लोन दिया तो ये इसीलिए सिक्स बाय ट्वेल्व हमने किया तो फोर्टी फाइव हंड्रेड आपका लोन आ गया इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर आ गया देन नेक्स्ट इज योर मंथली सैलरी वो डिमांड कर रहा है तो एग्रीमेंट नहीं है कुछ भी कहता तो जो प्रोविजंस है वो ये कहते हैं कि कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी वाई डिमांड कर रहा है ट्वेल्व इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जो प्रोविजन है एक्ट की वो कहता है कोई भी कैपिटल नहीं दिया जाएगा तो और कुछ भी यहाँ पर गिवन नहीं है तो इसको आप बैलेंस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो आ जाएगा वो आएगा आपका वन लैख एट्टी थाउजेंड इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी मैं नहीं है तो जो प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होना है तो एक्स और वाई में वन इंस टू तो वन की रेशो में वो डिवाइड हो जाएगा

क्या चीज फॉलो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर जो आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो इनएडिकुएट है मतलब जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उससे कम प्रॉफिट है आपके पास तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम अगर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स को अलाउड है और उस चीज के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तब तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देंगे लेकिन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उस सिचुएशन में दिया जाएगा अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट ही पे होता है अगर जो आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज्यादा है और जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो कम है तो हम क्या करेंगे तो जो जितना भी प्रॉफिट है हम उसी को उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे लेकिन पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम पे नहीं कर सकते क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं है तो जितना भी प्रॉफिट है उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे उसमें से कर देंगे लेकिन किस रेशो में हम पे करेंगे जो रेशो आपकी कैपिटल रेशो की बनेगी या जो इंटरेस्ट की रेशो है उसी रेशो में आप जो है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पे करेंगे

पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड का टेन परसेंट अगर आप निकालेंगे तो वो आपका सेवेंटी फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड का टेन परसेंट निकालेंगे तो वो आपका फोर्टी फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव हंड्रेड प्लस फोर्टी फाइव हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है लेकिन आपके पास प्रॉफिट है खाली नाइन थाउजेंड का ट्वेल्व थाउजेंड तो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं दे सकते हम सिर्फ नाइन थाउजेंड ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं तो हम नाइन थाउजेंड को ही एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे अमित और सुमित को लेकिन किस रेशो में ये रेशो जो होगी वो होगी आपकी कैपिटल रेशो में सेवेंटी फाइव थाउजेंड रेशो फोर्टी फाइव थाउजेंड तो सेवेंटी फाइव रेशियो फोर्टी फाइव थाउजेंड आप निकालेंगे तो वो आता है अमित का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना वो बना फाइव सिक्स टू फाइव और सुमित का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना वो बना थ्री थ्री सेवन फाइव तो ये नाइन थाउजेंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज इंटरेस्ट ऑन Capital. तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका मिल हुआ तो ये था आपका टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग दी अकाउंट्स इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच